हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम सेकंड बार मिलने जा रहे हैं पवन सर से, और आप लोग को भी मिलाएंगे। तो पूरा व्लॉग देखना। अभी हम लोग तैयार नहीं हुए हैं और अभी रेडी होंगे, फिर हम लोग जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, डांस भी करेंगे। तो पूरा व्लॉग देखना ठीक, लास्ट तक मिलते हैं आगे। ये वाला न्यू सॉन्ग लॉन्च हुआ है पवन सर का, उसी का इवेंट है। ये है सॉन्ग ओढ़नी हटा के, ये है अभी, ये है ये पीने के लिए। बोले कोई और को बोले, एक बाहर लगी हुई है। ये देखिए अभी यहाँ पे डांस हुआ। थक गए, थक गए बहुत। आप लोगों ने तो ब्लॉग में देखा होगा क्या हुआ आज, कितना थक गए, कितना थक। लुलु मॉल टेलेस का ब्लॉग हमने नहीं बनाया, इसने बनाया, इसमें देख मेरा देख लीजिएगा आज हम लोगों ने क्या क्या किया, वो सब ब्लॉग में हमने बनाया रखा है। कितने जल्दी आ गए, जल्दी आ गए सब जाके। अब इवेंट चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, अभी भी जल्दी है। सभी के बीच में बहुत ही प्यारी सी एंट्री के साथ एक बहुत ही प्यारे से अंदाज में यहाँ पर आने वाले हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं चाहूंगी जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हुए हैं अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। शायद मुझे लग रहा है मैं आपसे पहले बन चुकी हूँ, राइट? ओके, तो आज आप यहाँ पर आज भी आए हो, ओके। तो अभी लाइक जैसे कि मैं पहले भी मिली हूँ आपसे, तो आप एक क्रिएटर हैं, राइट? आप रील्स बनाते हो। पहले तो मैं चाहूँगी जितने भी क्रिएटर्स हैं वो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से रील्स बनाते हैं, और हम लोग ये होप लगाते हैं कि हमारी रील्स वायरल हो जाएंगी, हमारी लाइक जो हमारी प्रोफाइल है वो काफ़ी रीच करेगी, विजिट करेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्यारी सी खूबसूरत सी शाम में सबसे पहले तो मैं आप सभी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। आज वी हैव अ वेरी प्रीटी गर्ल ऑन द स्टेज, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा की तरह हम सब यहाँ पे आ चुके हैं और आज से न्यू सॉन्ग के लॉन्चिंग में आ चुके हैं और सभी एक्साइटेड हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और कुछ लोग काफ़ी दूर दूर से आए थे तो उनके लिए टीम ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था भी कर दिया था, तो वो अभी रिचार्ज हो गए हैं। अब जो बचा बचा है वो सर की एंट्री में बराबर हो जाएगा। यस, सो वी आर रेडी। वेरी नाइस, व्हाट्स योर गुड नेम? प्रतिभा साहू। ओके, तो प्रतिभा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए ऑलरेडी, क्योंकि शी इज वेरी एक्साइटेड, आई कैन सी दैट एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड। सो मैं चाहूंगी कोई एक लड़का मुझे ज्वाइन करेगा प्लीज। जेंटलमैन प्लीज कम ऑन द स्टेज, एनी बॉय। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, ये आज अगर एक बार जोरदार तालियां बजाए। यू लुकिंग सो क्यूट, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज शबा जलावर। ओके, तो आज आप यहाँ पे एक गाना लॉन्च हो रहा है, एज वी कैन सी दैट ओढ़नी हटा के, तो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? एक्साइटेड तो भैया का सॉन्ग मतलब हमेशा से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, भैया का सॉन्ग आए और तबाही मजा की जाए। आर यू बिग फैन ऑफ पवन सिंह जी, राइट? ओके, तो अभी आप रील बनाएंगे। ओके, तो मैं चाहूंगी ना कि कुछ लोग मुझे एक बार ज्वाइन कर लें, बिकॉज दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग, और मैं चाहती हूँ कि इस शाम की शुरुआत थोड़े खूबसूरत से अंदाज में की जाए। ओनली 2-3 पर्सन्स प्लीज, ओनली 4-5 पर्सन, दैट्स इट, बिकॉज वी आर ऑल सेट फॉर द ब्यूटीफुल एंट्री जो हमारे बीच आने वाले हैं आज की इस शाम के सुपर स्टार। बट उससे पहले मैं चाहूँगी ये शाम थोड़ी तड़क भड़क हो जाए, बट आप लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोग जहाँ पे भी हैं वहाँ से आप लोग एवरीबॉडी इज डांसिंग, सभी को डांस करना है। कैन वी हैव सॉन्ग प्लीज? हिंदी में कर दीजिए। गाइस, अभी पवन सर आने वाले हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, जिस पल का आप सभी को इंतजार था, स्पेशली जिनके लिए आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हो रही थी, देश की हम लोग इंतजार कर। तो
रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और प्लीज आप सभी से मैं एक और चाहूंगी, प्लीज आप लोग बैठिए। कभी हरा नहीं, जो सुपर स्टार हमारा साथ है, विनोद कुमार जी कैमरा पर्सन हमारा दिखा रहे हैं लाइव। क्या बात है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी प्लीज बैठ जाएं, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, इंडियन बॉलीवुड हो, इमोशनल हो, इंडियन पॉप हो या फिर भांगड़ा हो, और अब टाइम्स म्यूजिक पहली बार भोजपुरी मार्केट में उतारा गया है, वो भी भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ। सो उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी से सॉरी बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे आ रहे हैं, बार बार हटना है आगे से। बगल में ही हमारा एक गाना के सूट चल रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, तो आप लोग माइंड मत करिएगा, क्षमा करिएगा। और हमारे इस महफिल में जितने भी भोजपुरी जहान से, भोजपुरी समाज से आप लोग हमारे भाई मित्र यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, वो ताली बजा के आशीर्वाद देता हूं। आज टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी से हमारा एक ठो गाना रिलीज भइल बा, आज भइला जब ने गाना के टाइटल बा उन्हीं हटा के आगे फिर आगे बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले तो टाइम्स म्यूजिक परिवार में हमारे जितने सदस्य हैं आप सभी का हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में स्वागत है, और हमारे परिवार के जितने सदस्य आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैम को आज आप लोग भरोसा दिला दीजिए कि टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी को आप लोग ढेर सारा प्यार देने वाले हैं, एक ताली बजा के बता रहे हैं। अभय पांडे जी कहाँ हैं जी, इधर आइए। दीपक जी आप आइए। टाइम्स म्यूजिक परिवार से मुझे जोड़ने में सबसे बड़ा सहयोग मेरे अभय पांडे जी का है और हमारे प्रिय मित्र दीपक जी का है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच जो आप लोग इस परिवार से हमको जोड़े, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा गौरी मैडम जी, आपने जो मुझे जितना दुलार दिया आपने इस मंच के जरिए, इसके पहले हम लोग फोन पे शायद मैसेज के जरिए थोड़ा बहुत बात की है, लेकिन आज सामने से आपसे मैं पहली बार वहाँ मिला और यहाँ मिला, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम लोग सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और आपने जो इस मंच से मुझे दुलार दिया, आशीर्वाद दिया, जो दुआ दिया माँ बाप को जोड़ के, तो आपने मुझे भावुक कर दिया इस परिवार के लिए, टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी के लिए। जब भी आपको लगेगा कि कौन सिंह, कौन बाबू, कौन भाई मुझे चाहिए, तो आपका भाई ही था आजीवन। बस यही चाहूंगा, अभी तो हम लोग ढेर सारा मस्ती करेंगे, रुक रे ये देखो क्या है, वो उसे हमारे बड़ी लोग एक तो कोनो बात बोला तो उनका लोग इतना गंडा उखाड़ देता रहे, भाई हो गया, हो गया। अच्छा ये हमारे भोजपुरी, हमारे भोजपुरी है या के समझे वाला था, के सब कोई समझा था ना, अपने दिल पे हाथ रख के वो बात बोला जाके लड़का भुखाई आई उनके बाहर से,
अब घर में अंदर जाया कहे कि माय तनी खाना दी भूख लगा हमारे ठीक लागी यार असली उसमें जानता है माई तनी खाना दे भूख लगा था तू मैं जब जिसको समझता हूं कि हमारा भाई है हमारा परिवार है हमारा छुटका है तो ये प्यार से निकलता है ये हक है मेरा अधिकार है मैं बोलता हूं कि रुक रे भाई हमारा रुक जा सर ये नहीं कि मैं आप लोगों को अरे बोलता हूं नहीं यार ये अपनापन है बाकी कोई पवन सिंह जब से माइक लेके बोलना सीखा बोल रहा हूं और आजीवन जब तक बोलूंगा यही बोलता हूं मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि आप सभी के आशीर्वाद से ही बोलता हूं ना कोई मैं स्टार हूं और ना ही कुछ हूं जो आप लोग बोलते हैं भोजपुरिया राजा भोजपुरिया शेर किंग पावर स्टार पता नहीं क्या क्या आप लोग बोलते हैं क्या क्या नाम दिए हैं और क्या क्या नाम दे रहे हैं और क्या क्या नाम पता नहीं क्या क्या देंगे अरे बाप रे लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि मैं जो कुछ भी हूं आप सभी का प्यार हूं दुलार हूं और आशीर्वाद मैं आप इस महफिल में आए हैं खुशी के माहौल में थैंक यू सो मच आपने समय निकाल कर इस महफिल में आप आए थैंक यू सो मच आपको और इस गाने पे काम की है सालू जी बहुत बढ़िया आप काम के लिए बढ़ू बहुत दुआ है मैं चाहूंगा कि हमारे समाज का आशीर्वाद आपके ऊपर मिले कि आप बहुत बड़े स्टार हैं ठीक है इस गाने में और कौन कौन काम किया निक्की आप ही किए हैं चलिए ये तो भाग गया चलिए हम तो बहुत सारा काम करना है आपको ये हमारे साले साहब हमें आप लोग इनके जागर बहुत उनके प्यार नारा से काम मिल रहा है आपकी एंट्री कौन से गाने से हुई थी पुदीना से उसी गाने में बाबू ने एंट्री किया और पता नहीं शतक मारा कि दशक मारा बिलियन में चला गया गाना तब से हमारे ग्रुप में यही चर्चा चलता है कि पवन जी विक्की आपके लिए बड़ा लकी तो मुझे लगता है कि करीब करीब गानों में मेरा भाई नजर आ ही जाता है ये मेरा सौभाग्य है और हमारे परिवार का आशीर्वाद है कि आप छाए हुए हैं और छा जाएंगे और आगे बढ़ेंगे हमारा सब परिवार एक आपको भाई बढ़ा जा मेरा दीपक भाई यहाँ पे मौजूद है मेरा अविनाश भाई है हमारे अमित भाई जी हैं फौजी साहब वैसे तो मैं दिल होके जीतेंगे तो हार भी हरा ना सकेगा सबसे पहला थैंक यू ये लाइन मैं इसलिए बोली हूँ कि आज मैं वहां खड़ी हूँ जहां से इंडस्ट्री खत्म हो जाती है भले मैंने गाना किया है पवन सर के साथ बट मैं अपनी खुशी बता नहीं सकती कि मैं कितना ज्यादा खुश हूं थैंक यू सो मच जहां से इंडस्ट्री खत्म हो जाती है हर एक लड़की जो भी इंडस्ट्री में काम कर रही है जो भी एक्ट्रेस है हर एक एक्ट्रेस का ड्रीम होता है कि वो पवन जी के साथ काम करे बट बहुत लकी होती है वो लड़कियां जिन्हें ये चांस मिलता है और उनमें से एक खुशकिस्मत मैं हूं ये कहीं ना कहीं मैं इसका क्रेडिट लूंगी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अच्छे कर्म हुए होंगे मेरे थैंक यू सो मच सर एंड आई लव यू आप जब से वो संभाला है मैंने पवन जी से मोहब्बत की है देखिए ये तो सभी लड़की कहती है सभी लोग कहते हैं क्योंकि पवन जी हैं ही ऐसे कि सभी मोहब्बत करते हैं उनसे यू नो पर मैं एक लाइन कहूंगी पवन सर आपके लिए और वो लाइन ये है कि देखिए आप लोगों से भी एक क्वेश्चन है कि प्यार और प्रेम में क्या डिफरेंस होता है डिफरेंस ये होता है कि प्यार वो था जो रुक्मिणी ने कृष्ण से किया था राधा ने कृष्ण से किया था कहीं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें स्वार्थ जुड़ा था और मेरा जो पवन सर से है वो प्रेम है प्यार नहीं है प्रेम जो मीरा ने कृष्ण से किया था सर मैं आपकी पूजा करती हूँ बहुत प्रेम है आपसे और मैं बिल्कुल 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 आज कहीं ना कहीं ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पवन जी के साथ काम कर पाई हूँ थैंक यू सो मच सर और बस इतना आशीर्वाद रखिएगा कि चांस देते रहिएगा मैं बहुत मेहनत करूंगी और आप लोग ढेर सारा मुझे प्यार दीजिए मैं बहुत एंटरटेन करूंगी ये प्रॉमिस है आप लोगों से थैंक यू सो मच थैंक यू ब्रांची के बर्थडे में मिले थे आपके पास से आप हाँ मैं भी ब्रांची के बर्थडे में नहीं 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 इवेंट में इवेंट में हां मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई को मांग कर हम कर ही लाओ सब ब्लॉग शूट नमस्ते नमस्ते बच्चा कैसे हो बहुत अच्छे आप हैं
डांस मजा आया, देखा था डांस अच्छा किया। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब घर घर मतलब घर क्या हो रहा है? ये सब ब्लॉग बनना है, एंडिंग हो रही ब्लॉग की। अब बता तो रहे हैं तो अब थोड़ी ना, अब क्या अगर अब थोड़ी ना अभी जा रहे हैं। क्या हुआ? मैंने शूज पहने थे ना तो वो पैर छिल गए, बहुत देर से पहने थे ना। अरे थक गई बेचारी बहुत ज्यादा, मैंने चप्पल पहन ली, थक गई बेचारी। अभी रात हो चुकी है, अरे मुझे भी एंड करना है अपना ब्लॉग। हाँ 11 बज गया है रात का, मैंने पूरा दिन ऐसे बना रही हूँ। मजा आया ना, बना रही हूँ, मजा आया ना। शक्ल तो दिख नहीं रही है। अरे कोई बात नहीं, मजा आया ना, मजा बहुत। मुझे अभी तक नहीं अच्छा लगा था, जब पवन सिंह आए सर तो इतना ज्यादा अच्छा लगा। ऊपर से उन्होंने मुझे मतलब बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी दी, जैसा हाँ। ये बहुत बड़े मतलब सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत मुझे रिस्पेक्ट दी। और मेरे साथ रील्स भी बनाई, ये नहीं है कि पर्सनली रील्स बनाई, फोटो पर्सनली क्लिक कराई और लोगों को मना भी किया, बट मुझे एक बार भी मना नहीं किया सर ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जाते वक्त मुझे से बाय भी बोला था, बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और आप लोग को ब्लॉग तो अच्छा ही लगा होगा, मजा आ गया बहुत ज्यादा। खाना खाना में मजा आया ना आंटी? खाने में मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।